नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस को कंट्रोल में करने के लिए पीएम मोदी लॉकडाउन का फैसला लेते हुए सभी से घर में रहने की अपील की है, मगर अब भी कोरोना वायरस का डर लोगों में मौजूद है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के मामले की संख्या बढ़कर 1637 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कल सामने आए 386 नए पॉजिटिव मामले भी शामिल है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 132 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि तबलीगी जमात में शामिल होने के कारण लोगों की यात्रा करने के वजह से कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में 25 साल के एक युवक ने दम तोड़ दिया। युवक कुछ दिनों पहले ही मुंबई से लौटा था। कोरोना से मौत का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हुआ है। उससे पहले इसका इलाज बीआरडी हॉस्पिटल में हो रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में 112 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से जांच किटों और अन्य चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के लक्षणों से ग्रस्त 767 लोगों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब हालात नियंत्रण में है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ते ही जा रही है, उसी तरह से हॉस्पिटल में भी वेंटिलेटर की कमी बढ़ते जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी को देख डीआरडीओ हर दिन 20 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने की तैयारी में जुटा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए डीआरडीओ आगे आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वेंटिलेटर क्या होता है। वेंटिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो पेशेंट को सांस लेने में मदद करता है। जो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता, उससे वेंटिलेटर में रखा जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को भी वेंटिलेटर की सख्त जरूरत पड़ती है। डीआरडीओ ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें एक वेंटिलेटर से 4 मरीजों की मदद की जा सकती है। डीआरडीओ के निदेशक का कहना है कि हम कोई नई वेंटिलेटर नहीं बना रहे, बल्कि जो पहले से है उसी में ही कुछ नए संशोधन कर रहे हैं। इसी तरह से कोरोना से पीड़ित किसी भी मरीज के वेंटिलेटर की कमी नहीं होने दी जाएंगी। डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे संस्थान में रात दिन मास्क बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को अभी तक 40,000 मास्क की सप्लाई की जा चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस सहित देश भर में 1,00,000 लीटर सैनिटाइजर भी सप्लाई हो चुका है। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।